आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार बनारस पहुंचे। वो बनारस में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान बनारस में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण और अधिकारियों संग बैठक भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जमीनी पड़ताल भी कर सकते हैं। चर्चा है कि मुख्यमंत्री फुलवरिया फोर लेन के फ्लाईओवर व खिड़कियां घाट का निरीक्षण कर सकते हैं। बता दें कि रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी बनारस के दौरे पर हैं, जहां पीएम के साथ नेपाल के पीएम भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। फिरोजाबाद में पिछले साल संचारी रोगों और डेंगू के प्रकोप से हजारों की संख्या में बीमार पड़े लोग और बच्चों के चलते अब योगी सरकार ने दो जिलों को चिन्हित कर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। संचारी अभियान शुभारंभ के लिए यूपी डिप्टी सीएम बृजेश पाठक डीएम मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अभियान के तहत विभिन्न विभागों की तरफ से लगाई गई लगभग 1.5 लाख दर्जन स्टॉल प्रदर्शनियों को देखा और दिशा निर्देश भी दिए। फिरोजाबाद जनपद और सिद्धार्थ नगर को इसलिए चुना कि पिछली बार यहाँ पर अधिक संख्या में लोग इस प्रकार के बीमार हुए थे। सुकाबाद का संयुक्त अस्पताल है, उसमें डॉक्टरों की काफी कमी है, फिरोजाबाद में भी कमी है, उनके लिए क्या पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है? अभी हमने पूरे प्रदेश के लोगों को इस बात का भरोसा दिया है कि स्वास्थ्य महकमे में किसी भी मरीज को निराश नहीं होना पड़ेगा। जो भी अस्पताल आएगा उसे समुचित इलाज हम देंगे। श्रावस्ती जिले में संचारी रोग अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने संचार रोग नियंत्रण अभियान वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान वैन जिले के सभी क्षेत्रों में जाकर जागरूक करेगी। 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग कार्यक्रम चलेगा। 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये संचारी रोग अभियान हमारा चलेगा। आज माननीय विधायक जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य है कि हमें जन जागरूकता पैदा करके सभी डिपार्टमेंटों के सहयोग से बुखार के मरीजों को पहले से चिन्हित करना। खबर सीतापुर से है। थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान सीतापुर के कनावखेड़ा हाईवे मोड़ के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी की गई 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पुलिस से पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि चोरी की गई मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल कर दूसरे राज्य में बेच दिया करते थे। खबर गोरखपुर से, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। एक तरफ बाबा का बुलडोजर अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है, तो वहीं प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर चल रहा है। वहीं गोरखपुर के चौरी चौरा सहित तमाम जगहों पर बरसात को देखते हुए नालों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवाए। जहाँ भी अतिक्रमण मिल रहा है उसको सूचीबद्ध करके और अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चल रहा है और ये चलता रहेगा। और इसके नालों की सफाई, सिल्ट हटाना, कूड़ा हटाना, खरपतवार और जलकुंभी को हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है और कंटिन्यू होगा। उसी के साथ जो शहर में यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए, लोगों को सुगम व्यवस्था मिले, इसके लिए माइक्रो प्लान बनाया गया था। सभी से चर्चा करने के बाद व्यापार बंधुओं के सहयोग से उनके साथ बैठक करते हुए, समन्वय में पथ विक्रेताओं के बैठक करते हुए प्लान बना हुआ है और उसी प्लान को इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई लगातार चल रही है। उसमें 3 टीमें गठित हैं अंतर विभागीय समन्वय से। ये तीनों टीमें लगातार अगले 2 महीने तक कार्य करती रहेंगी और जहाँ भी हम लोग कैरेज वे को फ्री कराना, जहाँ पथ विक्रेताओं को बे एरिया में खड़ा कराना, पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं हमने जो चिन्हित की हैं उन जगहों पे प्रवर्तन के माध्यम से और लोगों को प्रेरित करते हुए वहाँ कराना। ये विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा की 2.0 की सरकार बन गई है। उसके बाद अब एमएलसी चुनाव की तारीख 9 अप्रैल 2022 को घोषित कर दिया जाएगा। एमएलसी चुनाव की घोषणा हो गई है। जानकारी मिली कि गाजीपुर में 7 विधानसभाओं में भाजपा की एक भी विधायक है नहीं है। अभी एमएलसी पद के उम्मीदवार विशाल सिंह चंचल मैदान में है और उनके सामने मदन यादव सपा के डमी कैंडिडेट के रूप में अपनी ताल ठोक रहे हैं। और
हमारे दोनों प्रमुखों को भाई मनोज सिन्हा आपसे भी कहूंगा, संगठन के भाई अनिल जी उनसे भी कहूंगा, संघ विकास प्रधान नहीं चल रहे सोचने वाला सोचेगा कि प्रभु खड़ा बलवान। मैंने भी पीआरओ से बात किया, आज सभी मीटिंग खत्म होने के बाद शाम को मैं कहा विचार करूंगा और मैंने कहा कि 9 तारीख तक जांच हुई और बड़ा बात पीआरओ साहब बाहर जांच बंद करें। गाजियाबाद में बढ़ते अपराध के चलते 2 दिन पूर्व एसएसपी का निलंबन किया गया था, इसके बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दरअसल दिन दहाड़े नूरनगर सिहानी में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने करीब 12 लाख रुपए के लूट को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 4 नकाबपोश बदमाश पीएनबी बैंक की नूरनगर सिहानी शाखा में घुस गए और हथियार के बल पर लूट को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। किया है अभी ये बात पता चली है कि इसमें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से जो सिक्योरिटी के फीचर्स होने चाहिए थे वहाँ पर नहीं है। पुलिस की तरफ से एक रिटन इंटीमेशन इसमें दे दी गई थी बैंक मैनेजर को, फिर भी ये इंसिडेंट हुई है जिसमें से लेस देन 10 अभी काउंट कर रहे हैं 7 लाख 8 लाख रुपये कैशियर से छीन करके भागे हैं। हम लोग इसमें जो हमारे पास एविडेंस है हम इसको कलेक्ट कर चुके हैं और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो भी क्रिमिनल एलिमेंट है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेंगे, साथ में बैंक का जो नेग्लिजेंस है उसको हम क्रिमिनल लायबिलिटी के पर। खबर गोरखपुर से है जहां दीवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड धाम के पोखरी में एक 18 साल युवक नहाते समय डूब गया जिससे युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी चौकी इंचार्ज को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ को मदद के लिए बुलाया और गोताखोरों ने गहराई में जाकर शव को कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये लगभग 12 बजे के आसपास ये बच्चा जो है यही सूरजकुंड ब्लॉक का है, इसके पिताजी रावत परिवार है, ये नहाने के लिए ये पोखरी में कूदा, इधर से गया है तैरते हुए उस पार से आया है, वहीं पर वो फिर डूब गया है, ऐसा लोगों ने बताया है। तत्काल मौके पर जो सूर्यविहार चौकी इंचार्ज हैं और उनके साथ दूसरे दरोगा जी हैं, जैसे जनता द्वारा सूचना दी गई पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँच गई है, उसके बाद अभी एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है। प्रदर्शियों ने बताया है कि ये मौके पर आया है यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े, इसके बगल में ही जो है कपड़ा निकाला है, कपड़ा निकाल करके नहाने के लिए। फिरोजाबाद में एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में गठित पुलिस टीमों का सराहनीय कार्य देखने को मिला। जवाहर नगर में हुए मर्डर केस का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका का दामाद ही हत्यारा था, लूट के उद्देश्य से पूरे मामले को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटा गया सामान बरामद कर लिया गया है। देखिए थाना उत्तर में जो आर गली है उसमें कल एक वृद्ध जो महिला थी 70 साल की जो उसका मर्डर हुआ था, कमला देवी उनका नाम था, और उनके घर से कुछ लूटपाट भी हुई थी, तो उसमें पुलिस ने 12 घंटे के अंदर में जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया, अनावरण किया है मामले का, और इसमें जो जो मृतका है उनका ही दामाद जो है उन्होंने ही उनका जो है हत्या की थी। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और जो हमारी फिजिकल एविडेंस वगैरह है वो सारी चीज़ें भी हमने इसमें शामिल की है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और जो रिकवरी भी है। जनपद एटा के थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब 15 दिन पूर्व हुए प्रदीप हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जनपदीय स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच टीम और जलेशपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हत्याकांड का पर्दाफाश किया गया है। बता दें कि बीते 15 मार्च को जलेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला चांद में प्रदीप कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामले की जाँच शुरू की गई है और मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना स्तर से और साथ ही गलियों से और आज जलेसर पुलिस और इंटरव्यू से द्वारा जो दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, लोकेंद्र और गुरु ठाकुर के, और उनके पास से एक एक अगर चमचा भी बरामद हुआ है। प्रदीप मृतक का संबंध जो है गाँव के ही एक युवती से उनका संबंध थे और गुरु ठाकुर का प्रदीप की भतीजी से इस पृष्ठभूमि में दिनांक 14 को
गांव में जो भंडारी घटना हुई थी वहाँ पे छोटे से एक्सीडेंट हुआ जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई, इससे ये रंजिश गंभीर अतिक्रमण बढ़ गया और अभी तुरंत कारण मिलकर खबर बिजनौर से जहां मोहल्ला चाशेरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 8 साल के मासूम की फायरिंग में गोली लगने से मौत हो गई। बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली कहासुनी में 3 युवकों के बीच फायरिंग हो गई। मासूम की मौत हो जाने से उसके परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। चाशेरी मोहल्ले में अरमान नाम के एक लड़के का बर्थडे पार्टी चल रहा था, डांस चल रहा था, डीजे बज रहा था, दो पक्षों में विवाद हुआ। इमरान के ऊपर आकिब और वसीक ने तवंचे से फायर किया लेकिन गोली लग गई। जुनैद नाम के एक 10 वर्षीय बच्चे को अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करके खबर बरेली से है जहां एक पशु व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर 7 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश लाखों के सोने चांदी के आभूषण और 4 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला क्योलाड़िया थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी का है जहां बीती रात पशु व्यापारी के घर पीछे की दीवार पर सीढ़ी लगाकर 7 बदमाश घर में घुसे, परिवार को बंधक बना लिया, जिसके बाद बदमाश घर से 14 तोला सोना चांदी और 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कस्बा क्योलाड़िया के द्वारा थाना क्योलाड़िया पर आकर एक तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया 27/28 मार्च 2022 की रात्रि के लगभग 1:30 बजे 3-4 अज्ञात व्यक्ति इनके घर में पीछे से आ गए और अलमारी बक्से तथा बेड में रखे कुछ सोने चांदी के जेवर एवं गुल्लक में रखे 15,000 रुपये चोरी करके ले गए। इस संबंध में थाना के लड़िया पर 457-380 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें टीमें लगा दी गई है। जल्द ही हम इस मामले का पूरा अनावरण करेंगे और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उसके खिलाफ। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम महिगवा में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 11 लोग घायल हुए, वहीं एक की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के महिगवा गांव से जुड़ा है जहां एक मकान की छत का लेंटर पड़ रहा था, तभी अचानक शटरिंग की एक बल्ली खिसक गई और पूरा लेंटर सहित भरभरा कर मजदूर के ऊपर गिर गया। हादसे में 38 वर्षीय प्रेमपाल की मौत हो गई जबकि 11 अन्य मजदूर घायल हो गए। सूचना पर SDM किशनी जयप्रकाश व थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचकर मामला का जायजा लिया। घटना आज लेंटर पड़ने को था, इसका और साथ के सन ऑफ शिव सिंह जी। तो ये लेंटर डलने को था, तो सुबह लेंटर डल रहा था, आधा डल पाया था। इसमें कुछ गाटर थे वो चिपके हुए, हम लोगों ने उसे साधना चाहा तो वो सदा नहीं, वो एकदम नीचे आ गया। जिसमें ऊपर जो लेबर काम कर रही थी वो लोग और नीचे जो लोग से सीधा कर रहे थे वो लोग दब के सब उसी में फंस गए थे। जब उन्हें निकाला गया जिसमें अभी एक जो है उनको ख़त्म है रामपाल सिंह और एक हमारे गाँव के और हैं श्री राठौर, उनकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। लगभग कितने लोग घायल हैं? उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।